नमो भागवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में चर्चा करते हैं। तो भक्ति कैसे प्राप्त हो? साधना के द्वारा। भक्ति में तीन स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भक्तों की चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना, लेकिन पहले साधना करना चाहिए, क्योंकि अभी हम मायाबद्ध जीव है, कलुषित है, काम क्रोध लोभ इत्यादि के द्वारा कलुषित है। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले साधना करना चाहिए। तो साधना का क्या मतलब? साधना का मतलब अभ्यास, मतलब अभी हम प्रेम अनुभूति नहीं करते, अभी हमारा हृदय सदैव श्री कृष्ण प्रेम में मग्न नहीं होते, तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए, भक्ति अभ्यास। मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और साधना भक्तों भी भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो जो कनिष्ठ भक्त या साधना भक्तों करते हैं और शुद्ध परमहंस भक्तों करते हैं, वो दोनों एक ही भक्ति करते हैं, लेकिन वो प्रेमी भक्तों की पूरी साक्षात्कार है। जब पूजा करते हैं राधा कृष्ण उपासना, तो प्रेम भक्तों का साक्षात दर्शन है कि ये ही मेरा प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी। और साधना भक्तों की श्रद्धा है कि यही राधा कृष्ण है और उनकी पूजा करने चाहिए, और राधा कृष्ण की पूजा करने से, यही अभ्यास करने से मैं भी साक्षात्कार करूँगा कि यही राधा कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान। तो वो अभ्यास, भक्ति अभ्यास, भक्ति साधना कैसे करना है? शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में सब विधि निषेध है, पूरा मार्गदर्शन है कैसे भक्ति करना है। और शास्त्र में वो सब विधि निषेध में पहले विधि है, तो गुरु गुरु का आदेश के अनुसार भक्ति योग करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई काल्पनिक विधि से नहीं होते हैं, भक्ति शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और जैसे कि हम कोई भूल नहीं करेंगे, और जैसे कि हम तुरंत श्री कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे, गुरु के पादाश्रय करना चाहिए और गुरु का निर्देश के अनुसार सब भक्ति करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र विधि लंघन करते हैं या उपेक्षा करते हैं और अपनी इच्छा से एक प्रकार धर्म पालन करते हैं, एक काल्पनिक प्रकार से धर्म अभ्यास करते हैं, तो वैसे व्यक्ति न स सिद्धिम, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगा, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, सुख प्राप्त नहीं मिलेगा, और न परम गतिम, वो परम गति परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो भक्ति शास्त्र के अनुसार करना चाहिए और गुरु का निर्देश के अनुसार। और गुरु कैसे निर्देश देते हैं? गुरु निर्देश देते हैं
शास्त्र के अनुसार। तो इसमें एक प्रश्न हो सकते कि अगर गुरु हमको शास्त्र के अनुसार शिक्षा देते हैं तो हम क्यों खाली शास्त्र नहीं पढ़ूंगा और गुरु का क्या जरूरत है, हम स्वयं शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र में जो है वो सब पालन करेंगे। लेकिन ऐसा है कि वो शास्त्र विशाल है और विस्तार है और शास्त्र समझना इतना आसान नहीं है, शास्त्र में बहुत बहुत विधि है। तो कौन सा हमारे खुद का जीवन में पालन करना चाहिए वो गुरु हमको बताएंगे। तो सब के लिए भक्ति करना चाहिए और शास्त्र में जो है भक्ति पालन करने के लिए वो सब विवरण है। लेकिन गुरु हमारे खुद के जीवन में हमको निर्देश देंगे, जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो डॉक्टर जानते हैं कैसे मरीज इलाज करना। तो अगर आप बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं कि ठीक है डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो एक किताब है जिसमें वो सब चिकित्सा का ज्ञान है तो वो पढ़ूंगा, या वो फार्मेसी है दवाई दुकान तो बहुत दवाई है तो एक ना दूसरा ले लूँगा। तो दवाई है, अगर कोई बीमारी है बीमार हो तो दवाई लेते, तो ठीक है मैं कोई भी दवा ले लूँगा और वो दवाई से इलाज हो जाऊँगा, तो वैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जानना चाहिए। डॉक्टर जानते हैं तो आपका बीमारी किस प्रकार है और कैसे चिकित्सा देना चाहिए। तो उस प्रकार भी हम अभी श्री कृष्ण को नहीं जानते, हम जैसे बीमार है, शास्त्र कहते हैं भव रोग, हम सब रोगी है। किस प्रकार रोग? भव रोग, भव का मतलब जन्म मृत्यु, हम सब जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया है, ये माया जाल में फंस गया है। तो हमें नहीं मालूम कैसे मुक्त होना, कैसे श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु हमको वास्तविक और यथोचित उपदेश देंगे, जैसे कि हम आसानी से जल्दी से भक्ति मार्ग में प्रगत हो सके। तो साधना का मतलब अभ्यास, और वो अभ्यास से क्या होते, क्या फायदा होते, अब ये अभ्यास किस लिए है? पहले मंद मन करना चाहिए, क्योंकि मन अति चंचल है, वो भी अर्जुन ने कहा गीता में कि चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले योग पद्धति, ध्यान योग, कैसे तपस्या करने से मन का निग्रह करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ये सब बात सुन के शंका की और श्री कृष्ण को खिलाफ की, नहीं है, संभव नहीं है। अर्जुन बोले कि चंचलं हि मनः कृष्ण, श्री कृष्ण आप बोलते हैं मन दमन करना चाहिए, लेकिन मेरा मन अति चंचल है, तो कैसे मन निग्रह करना, लगभग असंभव है। जैसे कि हवा आकाश में सब जगह आते जाते हैं, तो कैसे वो हवा का बंद करना चाहिए, तो उस प्रकार कैसे मन बंद करना चाहिए, तो संभव नहीं है अर्जुन का खिलाफ। तो श्री कृष्ण अर्जुन का खिलाफ आधा स्वीकार किया। श्री कृष्ण बोलते हैं असंशयं महाबाहो माना दुर्निग्रहम चलम। श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम सही बात बोलते हो,
सही है कि मन अति चंचल है और उसका निग्रह करना बहुत बहुत ही मुश्किल है, लेकिन संभव है, मन का दमन करना संभव है। अगर मन दमन करना असंभव तो किस लिए हम धर्म के बारे में बात बोलते हैं, किस लिए हम साधना के बारे में, किस लिए हम भक्ति के बारे में बात बोलते हैं? क्योंकि अगर मन अनियंत्रित रहते हैं तो शुद्ध भक्ति अर्जन करना संभव नहीं होगा। तो अवश्य ही है मन दमन करना संभव है, इतना आसान नहीं है लेकिन संभव है। तो कैसे? श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अभ्यास न तु कौन्तेया वैराग्य न च गृह्यते। कैसे मन दमन करना? अभ्यास के द्वारा और वैराग्य। तो वो अभ्यास क्या है? साधना। और वैराग्य क्या है? आप क्या सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए जंगल में जाना चाहिए, जटाधारी होना? नहीं, वैसे जरूरत नहीं है। संन्यासी होने का जरूरत नहीं है। मैं संन्यासी हूँ, मैं भक्ति प्रचार करता हूँ, इसलिए मैं भक्ति विकास स्वामी जो बोल रहा हूँ, मैंने संन्यास लिया था। लेकिन सभी अवस्था में सब भक्ति कर सकते हैं, संन्यासी होने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही वैराग्य होना चाहिए कि गृहस्थ होने के लिए भी, तो यही समझना चाहिए कि सब कुछ जो है अनित्य अशाश्वत है। मेरा घर, मेरा फैमिली, वो सब कुछ जो है वो अस्थाई है। तो इसलिए ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। तो कैसे? अगर पत्नी है, बच्चे है, मकान है, तो कैसे अनासक्त होगा? तो अवश्य ही है आपका कर्तव्य है परिवार का पालन करना, पैसा लाना और सब व्यवस्था करना, बच्चे के शिक्षा के लिए, शादी के लिए इत्यादि। तो आप अगर गृहस्थ हो तो आपका पारिवारिक दायित्व है, तो वो है, उसको नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे कि अर्जुन गीता की आरंभ में श्री कृष्ण को बोले कि ये लड़ाई करना अच्छा नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सन्यासी होऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को बोला नहीं नहीं, तुम लड़ाई करो मेरे पक्ष से, अपना इंद्रिय सुख के लिए युद्ध मत करो, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करेगा तो करो, लेकिन कैसे करोगे? माम अनुस्मर युद्ध्यच। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले माम अनुस्मर, वो जीवन की संसिद्धि है, श्री कृष्ण का स्मरण करना। लेकिन श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले कि तुम जंगल जाओ और वहाँ पर ध्यान और तपस्या करो। नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि युद्ध के बीच में भी तुम मुझको स्मरण करो। तो यही जीवन का रहस्य है। योग कर्मसु कौशलम, कौशल होना चाहिए, मतलब कर्म करने के बीच में भी, संसार के बीच में होने के भी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो वैसे कैसे संभव हो? साधना के द्वारा। मतलब अगर आप संसारी हो, आपका परिवार के लिए वो पूरा कर्तव्य है, पूरा भार है, तो कैसे आप श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं? तो इसलिए आपका जीवन में साधना करना चाहिए, कुछ समय रखना चाहिए साधना करने के लिए। भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में ऐसे सब पूर्व काल में वैसे ही किए थे। तो बहुत सुबह 4 बजे में, 5 बजे में सब वो
पूर्व काल में सब ब्रह्म मुहूर्त में सब उठते थे और स्नान घुसाल करके मंदिर गए थे या अपना मकान में कुछ पूजा जाप पाठ इत्यादि किए थे। यही भारतीय जीवन कि सब लोग वो काम करने के पहले पूजा किए थे या कुछ साधना किए थे। तो आज वैसे नहीं है, आज सब एक रात एक बजे दो बजे तक फिल्म देखते, VCR देखते, TV देखते और 8 बजे 9 बजे उठते। तो जीवन का परिवर्तन हो गया है। लेकिन समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसे कल्याण होगा, जीवन का क्या मतलब है। जीवन का मतलब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो इसलिए साधना करना चाहिए, कुछ समय रखना चाहिए। तो हम लगभग दिन भर काम करते हैं या TV देखते हैं और दूसरे दूसरे काम करते हैं, नींद करते हैं, आराम करते हैं, तो बातचीत करते हैं दूसरे लोगों से। तो 24 घंटे में कुछ समय रखना चाहिए, नियमित समय, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटे जितना भी संभव हो साधना करने के लिए। साधना का मतलब श्री कृष्ण नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन करना, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमूर्ति पूजा करना, ये साधना करना चाहिए। वो साधना से मन शांत हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाते, मन पवित्र हो जाते और मन श्री कृष्ण प्रेम से परिप्लुत होते हैं। तो यही भक्ति साधना करने का जरूरत है। तो साधना तो एक अभ्यास है, लेकिन वो स्वाभाविक है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है। तो हम भक्ति करते हैं, तो अभी हम करते हैं वो सब विधि निषेध के अनुसार, विधि के अनुसार, ऐसे पूजा करना, ऐसे नाम जप करना, वो सब शास्त्र विधि के अनुसार। लेकिन वास्तव में वो भक्ति जो है वो स्वाभाविक है, वो आत्मा और परमात्मा, जीव और कृष्ण, वो जीव और कृष्ण में वो संबंध जो है वो स्वाभाविक है। जैसे कि इस भौतिक संसार में पुत्र और पिता और पुत्र दोनों में स्वाभाविक संबंध है, तो वो संबंध स्थापना का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जो परम पिता है और हम जो जीव है, तो हमारे दोनों के बीच में वो संबंध जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन हमें भूल गए हैं, हम जीव है, हम श्री कृष्ण को भूल गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमको नहीं भूलते हैं। श्री कृष्ण अंतर्यामी है, हम दूसरे दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी हम इस दुर्लभ और मूल्यवान मानव शरीर में है, लेकिन इसके पहले कितने शरीर में हम थे, कितने शरीर धारण किए थे, ऊन शरीर, बिली शरीर, कीट शरीर, कृमि शरीर, वृक्ष शरीर, पक्षी शरीर, ब्रह्मा शरीर, और भविष्य में कितना होगा। तो हमारे आशा है कि कृष्ण भक्ति करने से पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन यही है कि वो सभी शरीर में इस ब्रह्मांड यात्रा में हम भगवान श्री कृष्ण को भूल किया, लेकिन श्री कृष्ण हमको नहीं भूलते।
श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, हमारे परम बंधु है, हमारे साथ जीवात्मा के साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं और प्रयास करते हैं हमको उपदेश देना कि मुझको मत भूलो, मुझको मत भूलो। तो ये साधना किस लिए है? वो स्वाभाविक संबंध का पुनर्स्थापन करना। तो अभी हम शास्त्र विधि के अनुसार हरे कृष्ण वो जप करते हैं, वो साधना है, पूजा करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम पूरा प्रेम मिलेगा तो हम खाली विधि के अनुसार नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरा प्रेम से, हृदय से हरे कृष्ण सदैव कहेंगे। तो वो साधना सबके लिए है और सबको करना चाहिए और सबके जीवन में कम से कम आधे घंटा एक घंटा साधना करना चाहिए, जैसे कि हमारे स्वाभाविक कृष्ण भक्ति पुनः जागृत होगा। हरे कृष्ण।